गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सारा, मतलब बहुत सारा। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम कहाँ आ चुके हैं, देखें पीछे चलता फिरता सा रोड नज़र आ रहा है। तो आज हम आए हैं भाई हलीम खाने, और हलीम खाने आज हम किसी ठेले पे नहीं आए हैं, ना किसी दुकान पर आए हैं, हम आए हैं एक गाड़ी में हलीम खाने के लिए। जी जनाब, हमारे एक भाई हैं जो माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं और ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो हलीम जो है उन्होंने गाड़ी में स्टार्ट कर दिए। भाई अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हलीम स्टार्ट कर दिए गाड़ी में। तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं भाई किस तरीके से, कौन सी गाड़ी में उन्होंने अपना सेटअप लगाया है, आप लोगों को लेके चलते हैं। तो चलते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं हलीम की तरफ, और आज मेरे साथ कौन आया, आज मेरे साथ आया है फाइज। मैंने सोचा हलीम को मुझे ज़ाया नहीं करना, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ज़बरदस्त हलीम है। तो आइए चलते हैं, कुछ भाई से भी बात करते हैं, कुछ पूछते हैं उनकी डिटेल्स हलीम के बारे में भी, तो उन्होंने कैसे सोचा कि ये हलीम लगानी है। आइए चलिए मेरे साथ। जी तो भाई अब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरहान, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे पहले तो मुझे टाइमिंग्स का बताएं और डेज बताएं, आप कब कब लगाते हैं? क्योंकि मेरी टाइमिंग्स दोपहर 1 बजे तक यहाँ आता हूँ, और यहाँ से शाम में कोई 6:30-6:40 पे मैक्सिमम यहाँ से फिर गाड़ी में मूव करता हूँ टुवर्ड्स नागन बीमा पार्क। सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो बीमा पार्क है, दैन फिर शाम 7 बजे से लेके और रात 12 बजे तक मैं वहाँ पे होता हूँ। अच्छा जी, और ये रेगुलर होता है आपका, कोई ऑफ है? ऑफ अभी तक तो कोई नहीं है ऑन डेली बेसिस पे, बट इन फ्यूचर जो है वो संडे ऑफ करने का प्लान है। अच्छा जी, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने कैसे सोचा हलीम के बारे में, हलीम करनी है भाई? एक्चुअली मैम, हलीम का इस जहन में ये है कि मैं एक्चुअली आई हैव बीन मेकिंग दिस हलीम फॉर लास्ट 2 ईयर्स। एक्चुअली आई एम हेयर बिकॉज ऑफ पीपल डिमांड एंड पीपल एडवाइस मी योर टेस्ट इज़ गुड, सो यू शुड इंट्रोड्यूस दिस हलीम इन द मार्केट सो दैट पीपल कुड टेस्ट इट। एंड एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर द शॉप, एंड इंस्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ हाईली रैंड पीपल एडवाइस मी टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑन अ व्हीकल सो दैट पीपल कुड टेस्ट इट और पीपल कुड कम टू नो द टेस्ट, दैन You should take a shop after 2 or 3 months, whatever. ठीक है जी, मतलब आपने जो है ये हलीम का जो डिसीजन था, आपको लोगों ने, आप ऑलरेडी बनाते थे, फिर लोगों ने आपको सजेस्ट किया कि आप इसको बनाएं, आप शॉप के लिए भी आपका इरादा, बट अभी आप गाड़ी पे ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल अभी गाड़ी पे कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर इंशाल्लाह 2 से 3 महीने जो भी है वो शॉप करेंगे। ठीक है जी, ये भी सही हो गया कि वेल एजुकेटेड लग रहे हैं। मुझे क्वालिफिकेशन बताएं। मेरा MBA इनकम्प्लीट है, MBA मेरा कम्प्लीट नहीं हो सका, मेरे लास्ट 2 सेमेस्टर बाकी थे, बस ये। अच्छा चले, आपने बड़ा इंसाफ किया कि आपने बता दिया, वरना नॉर्मली लोग जो है अभी कोई और तो मतलब MBA करा है मैंने कुछ नहीं रहा मेरा। अच्छी बात है भाई, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है एक तो। अच्छा दूसरी बात है क्वालिटी के बारे में, मुझे बताएं कि आपकी क्वालिटी क्या है? ये मेरी बेटी 1 3 साल की है अलहमदिल्ला, एक मेरी दूसरी बेटी 7 साल की है, और डेली बेसिस पे जो है वो ये हलीम खाते हैं ऑन डेली बेसिस, और ये मेरे भांजे हैं और ये भी डेली, ये 2-4 साल 5 साल ऐसे हैं। तो मैं क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो मेरे घर के बच्चे खा रहे हैं ना वही मैं यहाँ पे लोगों को दे रहा हूँ। ठीक ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि हलीम बनाने का आपको सिर्फ शौक था, शौकिया तौर पर ही किया है, या वैसे तो मुझे आपको गॉड गिफ्टेड लग रहा है, टैलेंट था आपके अंदर तो आपने इसलिए किया है, या ये बस शौकिया तौर पर जस्ट फॉर फन? नहीं, जस्ट फॉर फन तो नहीं है, ये हम लोग बाकायदा बनाया करते थे एरियाज में अपने हम लोग दोस्त, और बहुत इसका टेस्ट अच्छा था और लोग बहुत तारीफ़ किया करते थे, इवन कि बहुत दूर दूर से लोग खाने आया करते थे कि यार आप लोग जिस दिन बनाएं उस दिन हमें बताएं ताकि हम लोग खाएंगे, मिस नहीं करिएगा, हमें कॉल ज़रूर करिएगा जब भी आप बनाएं। तो हम लोग इस तरीके से बनाते थे, और फिर मुझे 2-4 लोग हमारे ऐसे थे जो सीनियर, उन्होंने हमें एडवाइस की यार आप यही इसके मटेरियल यूज़ करो तो और मज़ीद इसमें बेहतरी आ जाएगी, तो बस बनाता था और मेक टू ऑर्डर लोगों को देता था। और फिर आपने बताया मेक टू ऑर्डर भी करते थे, तो अभी भी वो चल रहा है या वो साइड हो गया है और अभी आप इस पर फोकस कर रहे हैं? लेकिन अभी मेरा फोकस यही है, लेकिन वो ऑर्डर अपनी जगह पर है, वो जो जैसे आते हैं, मतलब वो मतलब ऐसा है कि किसी ने बोला कि मेरे घर में यार फंक्शन है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, आप 5 किलो दे दो, आप 10 किलो दे दो। यही मैं पूछना चाह रही थी कि आप क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हैं? मिनिमम जो ऑर्डर है वो पर 5 kg मैं लेता हूं। अभी भी आपको अगर कोई ऑर्डर करे 2-3 दिन पहले अगर आपको बता दे आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे, आप वो ऑर्डर मतलब प्लेस कर लेंगे ऑर्डर? मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलें तो अब हम आपके हलीम करते हैं टेस्ट कलर से, और मुझे बाय लुक तो वो बहुत अच्छी लगी। जी तो भाई हमारे साथ मौजूद है जो फरहान भाई है, जो कि हलीम का अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, उनके घर के अपने बच्चे, उनके 3 भांजे यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी पर्सनली पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि भाई वो भी रेगुलर बेसिस पे हलीम खाते हैं, तो मैं जरा पूछूं उन बच्चा पार्टी से कि क्या सिलसिला है भाई घर में हलीम का। हाँ भाई बेटा, घर में भी हलीम खाते हो रेगुलर? जी यही वाली? यस। बहुत टेस्टी होती है। यस। और आप?
आप भी खाते हो? नाम बताओ अपना छोटू। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, हलीम खाते हो? मजे की होती है? हम खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द तो नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। तो मतलब हम खा ले। हलीम डन डन करो। डन डन बच्चे मिलके बोलो। डन बेस्ट हलीम डन फाइव स्टार और एक और जगह भी तो मिलती है ये नागन तो नहीं निकलेगी जब हम खा रहे होंगे तो। चलो ठीक है, हलीम ट्राई करते हैं। भाई बच्चों को आपके पास इन बच्चों को दिखाने का मकसद यही था कि इनकी क्वालिटी ऐसी है कि इनके घर के अपने बच्चे वो चीज़ खा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं क्वालिटी का क्या मैार होगा। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइए और इनको सपोर्ट कीजिए, इनकी हलीम को टेस्ट कीजिए और बताइए हमें भी कॉमेंट बॉक्स में आके कि आपको कैसी लगी। क्योंकि मैंने तो भाई अभी टेस्ट करनी है और मैंने बाय लुक उसको पास कर दिया है, बाय टेस्ट में भी आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसी है। बाकी आप लोगों का काम है, आप लोगों ने आके इनको सपोर्ट करना है क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है आप लोगों की सपोर्ट की। आप लोगों के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं, चाहे वो हम यूट्यूबर्स हों या हम स्मॉल बिजनेस करने वाले कोई भी लोग हों, तो ज़रूरी है आप लोगों की सपोर्ट। तो प्लीज़ आइए फाइव स्टार चौरंगी से पहले, इनका ये है ब्लॉक एच नॉर्थ नाजमाबाद में, पिज़्ज़ा पॉइंट से पहले होगा, केबीज़ के बिल्कुल सामने। ठीक है जी, तो आप लोगों ने आना है यहाँ पे, लाजमी आना है। तो चलें अब हम भी हलीम ट्राई करते हैं, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, बहुत बातें होंगी। प्राइस बताएं मुझे इसके प्लेट के। ये 70 ठीक है, 560 रुपए किलो है ना? ठीक है तो एक पाव 140 की और ये जो प्लेट है 70 की प्लेट। अच्छा 70 की प्लेट है, एक पाव 140 की और 560 रुपए पर केजी है, हर हिसाब से आपके पास मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। निकाल दें भाई, निकाल दें, लीमू वीमू सब डाल दें आप। ये भाई मेरी हलीम और अब मैं इसको करूँगी टेस्ट। इसमें मैंने ये लीमू डाल दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें मसाला और जो प्याज है वो ऑलरेडी इसमें डाली हुई है, तो अब मैं इसको करूँगी टेस्ट। अब ये जा रहा है निवाला मेरे मुंह में। गरम गरम तंदूर की रोटी ला दो भाई, बड़े बड़े ब्रांड की हलीम खा रही हूँ और मज़ा आ रहा है। मैं लिटरली सीरियस बताऊं, बहुत मजे किए, नो डाउट। आप इसका मुकाबला किसी भी ब्रांड से कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ब्रांड्स जो है ना उस पर हम आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि भाई वो जो चीज़ हमें खिला रहे हैं वो ये अपने घर में भी खिला रहे होंगे, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि ब्रांड्स के सिर्फ नाम चलते हैं। ये जो हलीम बना रहे हैं इनके घर के बच्चे रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इनकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों से बात करते करते मेरा हाथ नहीं रुक रहा है और मैं कंटिन्यूसली ये हलीम खा रही हूँ। पता है इसकी जो कंसिस्टेंसी वो बिल्कुल मेरे मतलब कि एक हलीम होती है ना बहुत थिक होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है, मसाले नमक से लेके जायके से लेके हर चीज़। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दाल खा रहे हैं, ये हम हलीम ही खा रहे हैं जिसमें गोश्त भी मौजूद होता है मेरे बहन भाइयों, ठीक है जी। और ये हम खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। चले जाइए, निकलिए घर से, पहुँचिए यहाँ पे हलीम खाने के लिए जल्दी से। हम लोगों ने खाई बहुत जबरदस्त हलीम और आप लोगों को भी दिखाई, तो क्या फर्क है नामदार हलीम का जो कि है जो ब्रांड्स हैं उनमें, जस्ट ये फर्क है कि आप लोगों को सेटिंग अच्छी मिल जाती है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आके आप लोग हलीम खाए हैं कि आप लोगों को कम पैसों में बेहतरीन जायका मिलेगा। आपने आना है, मैंने इनका नाम रख दिया है एवरी हलीम, तो आपने आना है यहाँ पर हलीम खाना है और हलीम खा के हमें रिव्यू करना है, कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि कैसी लगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बगैर दबाए वहाँ से हिलिएगा मत, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।